सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष वाधवा फिटनेस को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज उत्कर्ष वाधवा बैक विद अ वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी के बारे में। आज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा ग्रीन टी के बारे में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुई, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसे कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और पीने से इसको क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ग्रीन टी एक प्लांट की लीव्स है जिसका नाम है कैमेलिया साइनेसिस। इसका ओरिजिन चाइना में हुआ था और ये काफ़ी टाइम से जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ एंड इंडियन मेडिसिन में यूज़ होती आई है। जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन थी उसमें ग्रीन टी लीव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है। तो आप समझ सकते हैं इसी फैक्ट से कि इसमें कितने हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, ये कितनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। पहला जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है फ्री रेडिकल्स का, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं उसके फ्री रेडिकल्स अंदर जा रहे हैं, जो स्मोक के थ्रू उसके टोबैको के थ्रू अंदर फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं उसके थ्रू जनरेट हो सकते हैं, या इतना पॉल्यूशन आजकल है हमारे कंट्री में, इंडिया में इतना पॉल्यूशन है, आउटसाइड इतना पॉल्यूशन आप झेलते हैं उससे भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को किल करता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अब फ्री रेडिकल्स बहुत सारे बीमारियों का जड़ होता है, जैसे इट इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर ट्यूमर, इससे कैंसर ट्यूमर होता है एंड लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। जिन लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम है, अर्ली एजिंग होती है, उसका कारण भी फ्री रेडिकल्स ही है। तो उन्हें उन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है फैट बर्निंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे कि आपको पता है चाय में, हर टाइप की चाय में थोड़ा सा कैफीन होता है और इसमें भी थोड़ा सा कैफीन है। कैफीन बहुत ही कम है, नियर अबाउट 3-4% होगा इसकी पूरी डोज का। तो 3-4% कैफीन बहुत ही कम होता है, पर इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एज यू नो कि कैफीन हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और कैफीन इसमें है, पर नंबर वन सोर्स ऑफ कैफीन इज़ ब्लैक कॉफ़ी। तो आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए अगर इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें फैट बर्निंग बहुत बेनिफिट है, इट स्टडीज़ ने बहुत ज़्यादा दिखा रखा है कि ग्रीन टी पीने से आपका फैट लॉस हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज इट बूस्ट मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हमारे फैट लॉस, वेट लॉस या कोई भी गोल को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज़ द मेन रूट, मेटाबॉलिज्म जिसका स्लो होगा उसका फैट लॉस वेट लॉस नहीं होगा। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाते हैं फिर भी आपका फैट लॉस नहीं हो पाता, सो इट कैन बी मेटाबॉलिज्म। तो आप ग्रीन टी पीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उससे। थर्ड बेनिफिट है इसका, एंटी कैंसर ड्रिंक है ये। अब कोई भी टाइप का कैंसर को ये क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। और कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसका मेन रीज़न होता है फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स को किल करता है बिकॉज इट इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट। तो इट इज़ अ एंटी कैंसर ड्रिंक। फोर्थ बेनिफिट है इट क्योर्स टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज कैसे क्योर करता है, क्योंकि ये इम्प्रूव्स द इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो हमारा इंसुलिन एक हार्मोन है उसकी सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज का एक रीज़न होगा, वन इज अ बैड लाइफस्टाइल यू लिविंग, या आपका इंसुलिन सेक्रीट होना बंद हो गया है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। दैट कैन बी अ मेन रीजन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़। तो इससे क्या होगा, आप अगर ग्रीन टी पियेंगे तो इससे आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कम होगी, वो क्योर होगी। फिफ्थ बेनिफिट है इसका, क्योर्स कोलेस्ट्रॉल। मेन रीज़न कोलेस्ट्रॉल का होता है हमारा LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ना, और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका कम होना। तो ये क्या करता है, हमारे LDL को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और हमारा LDL ऑक्सीडाइज नहीं होता तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। सो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर कोलेस्ट्रॉल। आपको ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो इन दोनों में से, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, और ये काफ़ी सारी हेल्थ डिजीज को हमारे क्योर करता है। बहुत लिस्ट लंबी होती जाएगी अगर मैं हर एक के बारे में बताना शुरू करूं, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो मैं सब इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बता रहा, ये इसके कुछ मेन बेनिफिट्स हैं, बाकी आप अपनी सर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आपको और भी बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे, लिस्ट बहुत लंबी है इसकी। नेक्स्ट मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ, इसको पीना कैसे है। आपने जान लिया कि कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, हमारे मेडिसिन में यूज़ होता है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसमें, और अब जानते हैं इसको कब पीना है। तो आप ग्रीन टी कभी भी पी सकते हैं, चाय पर प्रेफरेबली आप इसे 2 से 3 बार दिन में पिए, और इसमें दूध नहीं डालना। अगर आप इसमें मिल्क का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, बिकॉज स्टडीज़ ने ये कहा है कि अगर आप इसमें मिल्क या शुगर का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली मिल्क का अगर यूज़ करते हैं, तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसका बेनिफिट कम हो जाते हैं। तो आप इसमें मिल्क या शुगर का यूज़ ना करें। इसको जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका कलर आएगा। अगर आप लूज्ड ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो आपको उसको बॉयल करें 2 से 3 मिनट, वो यूज़ कर सकते हैं। जनरली टी बैग्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके टी बैग्स मिलते हैं, जैसे लिप्टन हो गया, टेटली हो गया, लूज ग्रीन टी भी मिलती है। तो आप कोई भी अच्छा ब्रांड अपनी पसंद से ले सकते हैं। इस मामले में आपको ब्रांड कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप कोई भी अच्छा ब्रांड जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, और इसका ऐसा कलर आएगा। तो आप इसमें ये थोड़ी आपको शुरू में पीने में थोड़ी कड़वी लगेगी, पर हल्के हल्के आपको 1 से 2 हफ्ते में इसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर आप ये रेगुलर आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगी। तो अगर आप टी बैग का यूज़ करें तो पानी को हल्का सा 150 ml 200 ml पानी को गर्म करिए, उसमें टी बैग को डिप करिए थोड़ी देर के लिए, 1 to 2 मिनट उसके अंदर छोड़ दीजिए, और फिर टी बैग को हटा के आप उसे पी सकते हैं। अगर लूज़ ग्रीन टी है तो आप पानी को बॉइलिंग वाटर में ग्रीन टी को ऐड करिए, उसको 2 to 3 मिनट्स ऐसे ही रख दीजिए, और उसके बाद आप उसको छान कर छन्नी से आप पी सकते हैं ग्रीन टी। तो ये 2 तरीके हैं। इसके एक थर्ड फॉर्म भी आती है ग्रीन टी की, वो है कैप्सूल फॉर्म। अब अगर आप अपना वेट लॉस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फैट लॉस में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले, तो ग्रीन टी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर एक कैप्सूल की बात करूँ, ग्रीन टी एक्स्ट्रैक्ट कैप्सूल्स आते हैं, और उसके एक कैप्सूल इज इक्वल टू 5 कप्स ऑफ ग्रीन टी। तो इतनी डोजेज होती है उसकी। आप अगर एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल दिन में लेते हैं तो आपके नियर अबाउट 10 कप्स, अगर 2 कैप्सूल ले रहे हैं तो 10 कप्स ऑफ, इट इज़ इक्वलेंट टू 10 कप्स ऑफ ग्रीन टी। तो डैट विल बी ग्रेट। अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। अगर आपकी एक्सरसाइज सही है, आप न्यूट्रिशन सही ले रहे हैं, तो इसका 100% आपको इफेक्ट देखेगा। पर अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे, तो आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ना लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं देखेगा, आप अपनी मनी वेस्ट करेंगे और कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आपका एक्सरसाइज सही है, तो आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल ले सकते हैं। वो आप सुबह उठते ही, वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप वो ले सकते हैं कैप्सूल, एक अपने वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो दिस वॉज माई इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डू गिव इट अ थम्स अप। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हर लाइक से मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलरली लाता रहूँगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं करा, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बिल्कुल फ्री है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाया करेगा। उसके बगल में बेल बटन है, आप उसको क्लिक करके रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए साइनअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आपको वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा, मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ। अगर आपको कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि ग्रीन टी कितनी बेनिफिशियल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। सो दिस इज उत्कर्ष वाधवा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड बाय।